हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आज हम देखेंगे कि डोलड्रम क्या होता है। बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि डोलड्रम क्या है। इसे क्वेश्चन आपके अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, ये जो हमारा क्या है अर्थ है और जिसमें ये 0 डिग्री, दोनों अर्थ को 20 से काटता है, ये है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर का 23 डिग्री जो होता है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हवाएं चलती है, ऐसे करके चलती है हवाएं। ठीक है, ऐसे करके जो हवाएं चलती है, ये जब 10 डिग्री, ये है 0 डिग्री, जब 10 डिग्री में आते हैं ये हवाएं, तो ये गर्म होना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि आपको सिंपल से पता है इक्वेटर में सबसे ज्यादा धूप लगता है और यहाँ के इलाका जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो यहाँ से जो हवाएं आते हैं, जैसे ये 10 डिग्री में एंटर करते हैं, ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं और 5 डिग्री में आते आते ये बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाते हैं, एक लो प्रेशर का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। लो प्रेशर जो होते हैं वे बहुत हल्का हवाएं होते हैं, यानी कि गर्म होने के कारण वो हल्का हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जो हवाएं ऐसे करके आ रहे हैं 10 डिग्री में आने के बाद वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं और 5 डिग्री में आते आते वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो जो हवाएं ऊपर की तरफ उड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोलड्रम। क्या बोलते हैं, डोलड्रम। इस डोलड्रम का ही फायदा लेके चील जो होते हैं, ईगल्स जो होते हैं, वो बहुत एलिवेशन तक जा सकते हैं। सिंपली वो क्या करते हैं, डोलड्रम में घुस जाते हैं, अपने पंखों को फैला देते हैं और नीचे से जो हीट आता रहता है वो उनको ऊपर तक बहुत लेके चला जाता है। तो ये है डोलड्रम, यानी कि जो हवाएं आते हैं 23 डिग्री से वो क्या होते हैं, 10 डिग्री में आते हैं गर्म हो जाते हैं और 5 डिग्री में आते इतने गर्म हो जाते हैं कि वो ऊपर उड़ना चाहते हैं लो प्रेशर के कारण। तो यही है डोलड्रम, जिससे हवाएं क्या होते हैं ऊपर की तरफ ऐसे आते हैं और फिर ये इकट्ठे करते हैं, ये नीचे नामते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप डोलड्रम को अच्छे से समझ गए। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।